नमस्कार, योग निरोग में आपका स्वागत है। मैं हूँ रामवीर श्रेष्ठ। योग यानि जोड़ना, मिलाना, संयोग करना, और ये संयोग अगर मन का होता है, मस्तिष्क का होता है, सकारात्मक दिशा में होता है, तो व्यक्ति सुख और समृद्धि की दिशा में जाता है। और अगर यही संयोग, नकारात्मकता अगर इसमें आती है, ये किसी तरह का बोझ अपने ऊपर लेता है या बोझ महसूस करता है, तो तनाव में आ जाता है। और फिर किस तरह से उन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है, इसी पर है आज हमारी ये खास पेशकश, योग निरोग। कहते हैं जीवन का उद्देश्य जीवन को सही से, अच्छी तरह से जी लेना ही है, और इस उद्देश्य को हमेशा सामने रखकर ही अपने आचरण को अंजाम देना चाहिए। और अगर हम ऐसा करते हैं, तब हम तनाव से पूरी तरह से मुक्ति पा सकते हैं। इस तनाव को अगर हम साथ साथ लेकर चलते हैं, तो इसी धरती पर साक्षात नरक का दर्शन आपको होता है। और जब आप ऐसा देखते हैं, तो आप खुद तो परेशान होते ही हैं, आपके चारों ओर का जो पर्यावरण है, वातावरण है, वो सब भी प्रदूषित होता है, वो सब भी तनाव में आ जाता है। कैसे ये सब होता है, इस सब को जानने के लिए हमारे साथ देशराज जी हैं। आप भारतीय योग संस्थान के महामंत्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है देशराज जी। नमस्कार। और सबसे पहले हमें बातचीत तो तनाव से शुरू करनी चाहिए कि हम और आप जरूर खुश होकर के या मुस्कुराते हुए चेहरे से बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग तनाव में आ जाते हैं या हैं, उन लोगों के लिए ये कितना बड़ा, एक तरह से पूरा परिवार उनको पसंद नहीं करता है, सोसाइटी, कलीग, सबके बीच में वो अलग थलग पड़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। कैसे होता है सब तनाव? वास्तव में आज आधुनिक जीवन की देन है। इसे एक मानसिक रोग की श्रेणी में लिया जाता है, और आप ये समझ लें कि तनाव बनता सभी को है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, वृद्ध हो, या रोजगार पर लगा हुआ हो या बेरोजगार हो। अच्छा, कुछ किसी सीमा तक तनाव लेना भी चाहिए क्या? तनाव लिया नहीं जाता, तनाव हो जाता है, इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। तनाव सभी को बनता है। जब व्यक्ति के जीवन में उसको कुछ नकारात्मक अनुभूतियां होती हैं, उसके जो संस्कार उसके मनःपटल के ऊपर परतें बन करके जमा होते रहते हैं, तो कभी भी भविष्य में कोई भी घटना घटती है, तो वह स्थूल रूप में, प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट होता है। उसे हम तनाव कहते हैं। ये तनाव आपका स्थूल शरीर में भी देखने को मिल सकता है, मानसिक रूप में भी देखने को मिल सकता है, भावों के रूप में भी देखने को मिल सकता है। हम कैसे पहचाने कि ये आदमी तनाव में है? हाँ। माने जिसको लक्षण कहते हैं, जब ये स्थूल रूप में शरीर के अंदर होगा, तो सबसे पहले आपका पेट खराब हो जाएगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आपकी रीढ़ में, गर्दन के पास, कंधों के पास दर्द रहना शुरू हो जाएगा, आपको एसिड बन सकता है, आपको शारीरिक पीड़ाएं ऐसे होने लगेंगी। और अगर मन के स्तर पर है, मानसिक रूप में अगर ये तनाव है, तो आप देखेंगे कि चेहरे की मुस्कान आपकी कम हो जाएगी, आपका व्यवहार असामान्य होने लगेगा, आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आपको क्रोध बहुत तेजी से आएगा, आपकी याददाश्त भी कम होने लगेगी, आपके काम करने की क्षमता भी गिरने लगेगी। ये लक्षण कुछ, यानी एक छोटा सा तनाव और जिंदगी बर्बाद। हाँ, ये तनाव आपके शरीर मन के स्तर पर तो प्रभाव करता ही करता है, आपकी दिनचर्या को भी अव्यवस्थित कर देता है। अच्छा देशराज जी, अगर हम इसके कारणों को जानना चाहें, तो एक जो तनाव से संबंधित, या जिसको तनाव है या जो तनाव की ओर जा रहा है, वो उन कारणों को कैसे दूर कर सकता है आपसे सुनकर? अगर आप कारणों की तरफ देखें, तो कारण आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, और गृहस्थ के कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी का व्यवसाय ठीक से नहीं चल रहा है, तो वह तनाव में आ जाएगा। बॉस के द्वारा दफ्तर में अन्याय किया जा रहा है, उसकी प्रमोशन रोक दी, तो तनाव में आ जाएगा। आप यूं कहिए कि अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो तनाव में आ जाएगा। उसके काम में रुकावट आ गई, तो तनाव में आ जाएगा।
कहाँ तनाव नहीं है, आपको एक थोड़ा उदाहरण के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। छोटा बच्चा नर्सरी क्लास में एडमिशन नहीं हो रहा है, माता पिता को तनाव बन जाएगा। एडमिशन हो गया, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है स्कूल में बच्चे की, माता पिता तनाव में आ जाएंगे। और माता पिता तनाव में आ गए इसलिए बच्चा भी आ सकता है। ट्वेल्थ में मार्क्स अच्छे आए, कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो तनाव, कॉलेज में एडमिशन हो गया, पढ़ाई हो गई तो उसके बाद देखेंगे आप, नौकरी नहीं लगी तो तनाव, नौकरी लग गई अब शादी नहीं हो रही है बच्चे की तो तनाव, शादी हो गई आगे बच्चा नहीं हो रहा है तो तनाव, बच्चा हो गया अब क्या हुआ कि बच्चों ने और बच्चों के बच्चों ने माता पिता का कहना मानना बंद कर दिया, उनको सम्मान देना बंद कर दिया तो तनाव। जिंदगी के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं ये तनाव से हमारा। क्या आपको लगता है देशराज जी कि देश में स्पिरिचुअल काउंसलिंग की बेहद कमी हो चली है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? जी, जितना हम आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइफ फास्ट होती जा रही है, प्रतिस्पर्धा के युग में हम आ चुके हैं, भाग दौड़ की जिंदगी है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, अध्यात्म में कहीं हम पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, या यूं कहिए कि अपने देश की संस्कृति और सभ्यता को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, जिस विषय पर आज हम बात करेंगे योग, बिल्कुल बिल्कुल, वह भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज हम तनाव युक्त जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तनाव से कौन कौन से रोग साथ में आ जाएंगे क्या? तनाव से आपका पेट खराब हो सकता है, आपकी गर्दन कंधे में दर्द हो सकता है, आपको अनिद्रा का रोग हो सकता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्रेन हेमरेज हो सकती है, आपको डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, आपको कब्ज और गैस हो सकता है, जितनी मानसिक बीमारियां हैं, आपको नर्वस सिस्टम वीक हो सकता है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, ये सभी मानसिक तनाव और शारीरिक तनाव के परिणाम ही हैं। आसन क्या इसके उपचार में मददगार साबित हो सकते हैं? योग की जितनी भी क्रियाएं हैं यदि उनको हम तरीके से समझकर किसी योग्य शिक्षक की देखरेख में करें तो जितना योग हमें तनाव से बाहर निकाल सकता है, दिनचर्या को थोड़ा सुव्यवस्थित कर लें, भोजन को थोड़ा ठीक कर लें, योगा अभ्यास को हम अपने दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हम तनाव से बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, ये अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और अगर आप अपना विश्लेषण कर रहे हैं तो ये वास्तव में समय आपके लिए है। अगर आपका चेहरा खिलखिलाता हुआ है, आप एक तरह से कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, आप उसको बिल्कुल एकदम से उसको फील ही नहीं करते, और अगर करते हैं या फिर आप कर चुके हैं, यानी आप अगर आप तनाव ले चुके हैं किसी चीज़ को लेकर और अगर आप तनाव में हैं तो फिर आप किस तरह से मुक्ति पा सकते हैं उससे आसनों के द्वारा, तो उस पर सबसे पहले हम बात करेंगे आसनों की। इसमें हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं, कौन कौन से आसनों के जरिए तनाव को रिलीज़ किया जा सकता है? आसन बहुत ऐसे हैं जो कि तनाव को रिलीज़ करने में हमारी मदद करते हैं, क्योंकि जब मांसपेशियों में, हड्डियों में, स्नायु में, रक्त नलिकाओं में, ग्रंथियों में यह तनाव प्रभाव अपना छोड़ता है तो हमारे शरीर में शारीरिक दोष आने लगते हैं। जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो हमारे इस स्थूल शरीर से ये तनाव रिलीज होने लगता है और हमें लाभ होने लगता है। आज हम विशेषतः तीन आसनों का अभ्यास हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे, जिसमें गरुड़ासन, कोणासन और मेरु आकर्षण आसन, अंत में एक शव आसन का अभ्यास हमारे शिक्षक करके दिखाएंगे, जिससे कि हमें शारीरिक तनाव और कुछ हद तक मानसिक तनाव को भी ठीक करने में ये आसन कारगर हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन के लिए अपने आसन पर खड़े हो जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों बाजू शरीर के साथ सटी हुई, बाएं टांग पर दाएं टांग को लपेटें, बाएं भुजा सामने की ओर लेकर के आएं, दाएं भुजा को उसके ऊपर से लपेटते हुए दोनों हथेलियों को आपस में मिलाते हुए नासिका के सामने लेकर के आएं, पेड़ों वाले भाग से शरीर को थोड़ा नीचे की ओर झुका दें,
श्वास को सामान्य करके रुकें। ऐसा करने से टांगें और बाजू और पेड़ों का भाग विशेषतः प्रभाव में आता है। धीरे धीरे वापिस आएं। यही क्रिया दूसरी ओर से दोहराई जाएगी। दाएं टांग पर बाएं टांग को लपेट दें। इसी प्रकार दाएं भुजा को सामने की ओर लाते हुए बाएं भुजा को उसके ऊपर से लपेटें। दोनों हथेलियों को नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए पेड़ वाले भाग से नीचे की ओर झुकें। श्वासों को सामान्य कर संतुलन बनाकर के रुकें। इस आसन के करने से मांसपेशियों से तनाव रिलीज होने लगता है। बहुत धीरे धीरे वापिस आएं। आसन पर बैठकर विश्राम की स्थिति ले लें। दोनों पैरों में सुविधाजनक फासला, दोनों हथेलियां पीछे, गर्दन को थोड़ा रिलैक्स पोजीशन में लें। श्वासों को सामान्य कर लें। आसन के प्रभाव को हमें मानसिक स्तर पर उसका अवलोकन करना चाहिए जब हम विश्राम की स्थिति में जाते हैं। तो तनाव से मुक्ति के लिए ये था गरुड़ासन, और इसके बाद आप देखेंगे कोणासन। कोणासन के लिए दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों हथेलियों में थोड़ा सा फासला कम करें। हथेलियों और एड़ियों पर भार देते हुए धड़ वाले भाग को धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाना प्रारंभ करें। अंत में तलवे धरती पर लग जाएं, गर्दन सीधी, श्वास सामान्य। इस आसन की पूर्ण स्थिति में रीढ़, कंधे, बाजू और गर्दन के आसपास की मांसपेशियां और जोड़ प्रभाव में आने से, हड्डियां प्रभाव में आने से वहां का तनाव रिलीज होने लगता है। बहुत धीरे धीरे वापस आना प्रारंभ करें। विश्राम की स्थिति में श्वासों को सामान्य कर लें। तो गरुड़ासन और गरुड़ासन के बाद आपने कोणासन जो है हमारे शिक्षकों से देखा, आपके तनाव को दूर करने के लिए ये दोनों आसन बहुत सहायक हो सकते हैं। और इसी के साथ एक आसन जो और है आज, वो है मेरु आकर्षणासन। मेरु आकर्षण आसन के लिए अपने आसन पर लेट जाएं। सर्वप्रथम एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं करवट ले लें, दाहिने कोहनी का स्टैंड बनाएं, दाएं हाथ की थैली को दाएं कनपटी के पास रख दें, बाएं भुजा को शरीर के साथ ऊपर की ओर ले लें, दोनों टांगें सीधी हो जाएं, एड़ी पर एड़ी, पंजे पे पंजा, हथेली बाईं जंघा पर, धीरे धीरे बाईं टांग को ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करें। अंत में जब टांग 90 डिग्री पर आ जाए तो बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़ें। नीचे वाला पंजा खींचा रहे, घुटना सीधा रहे। श्वास सामान्य करके क्षमता अनुसार रुकें। इस आसन के करने से विशेषतः पसलियां, आंते, दोनों टांगें, हाथ, बाजू विशेषतः प्रभाव में आती हैं। बहुत धीरे धीरे वापिस आना प्रारंभ करें। अंत में एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा आ जाए, पश्चात पीठ के बल आसन पर आएं।
यही क्रिया विपरीत दिशा से दोहरा लें, एड़ी पंजे मिलाएं, बाई करवट लें, बाई कोहनी का स्टैंड बनाएं, बाई हथेली को बाई कनपटी के पास रख दें, दाई भुजा शरीर के साथ लें, हथेली दाई जंघा पर आ जाए, दोनों टांगों को सीधा करें, पंजे तने रहें, दाई टांग को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाना प्रारंभ करें। अंत में जब 90 डिग्री पर दाई टांग आ जाए, पंजे को दाएं हाथ से पकड़ें, दोनों टांगों के घुटने एकदम सीधे हों, श्वास सामान्य कर सामर्थ्य अनुसार पूर्ण स्थिति में रुकें। बहुत धीरे धीरे वापिस आना प्रारंभ करें। इन आसनों को हम दो या तीन बार अगर दोहराते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे शारीरिक अर्थात जो हमारे शरीर के मसल्स में, रक्त नलिकाओं में, ग्रंथियों में, अवयवों में तनाव भरा रहता है, धीरे धीरे उसका स्तर नीचे आने लगेगा और हम अपने आप को शारीरिक स्तर पर तनाव की दृष्टि से स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। अगर आपको इन तीनों आसनों का संपूर्ण लाभ प्राप्त करना है तो आपको एक और आसन करने की जरूरत पड़ती है और वो है शवासन। शवासन शारीरिक व मानसिक तनाव को ठीक करने की सर्वश्रेष्ठ तकनीक है। इस आसन में साधक एक सोने वाली अवस्था शरीर की बनाकर आसन के ऊपर लेट जाता है, पैरों में सुविधाजनक फासला रहता है, भुजाएं शरीर से हल्की दूरी पर, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, पंजों से सर तक, सर से पंजों तक शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को देखते हुए उनको ढीला करता चला जाता है। श्वासों को सामान्य करते हुए 3 से 4 आवृत्तियां जब साधक ऐसे कर ले तो पश्चात वह केवल अपने श्वासों के आते जाते उनको देखना और देखते रहना, कुछ देर बाद आपकी अंतर्मुखता का स्तर बढ़ता जाएगा। आप पाएंगे कि शरीर की मांसपेशियां शिथिल होती जा रही हैं, मन से विचार धीरे धीरे हटते जाएंगे, एक अवस्था आएगी कि आप विचार शून्य हो जाएंगे और आपके शारीरिक और मानसिक तनाव दोनों से ही आप अपने आप को मुक्त होते हुए अनुभव करने लगेंगे। शरीर आपका धीरे धीरे ऊर्जावान होता हुआ आपको महसूस होगा। लगभग तनाव के रोगी को यह अभ्यास 3 मिनट से प्रारंभ करके 10 मिनट तक इस अभ्यास को अगर वो बढ़ा लेता है और सुबह शाम दिन में 2 बार अगर वो करता है तो हमारा यह मानना है कि शवासन अकेला ही व्यक्ति को तनाव से मुक्त करने का एक बहुत सुंदर आसन सिद्ध हो सकता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिने करवट लें, दाहिनी कोहनी और बाएं हाथ की हथेली का सहारा लेते हुए उठ बैठें। तो ये था शवासन। शवासन के बाद प्राणायाम की बारी आती है। प्राणों को किस तरह से आयाम दिया जा सके ताकि ध्यान आने वाले श्वास और प्रश्वास पर लगना शुरू हो और हम चैतन्य हो उठें, चेतना से भर उठें और आनंद हमारे अंदर पूरी तरह से लबरेज हो, तो देखते हैं प्राणायाम। तनाव में दिशराज जी, कौन सा प्राणायाम ऐसा है जो सबसे ज्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है प्रयोग के तौर पर?
वास्तव में जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसके शरीर में प्राण की खपत बढ़ जाती है, उसके शरीर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कई बार स्थिति यह आ जाती है कि जब व्यक्ति तनाव में ज़्यादा गहराई में चला जाता है, सांस लेना ही भूल जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं प्राणिक ऊर्जा की शरीर में कमी पड़ने लगती है, जिससे कि मन के स्तर पर तो हानि होती होती है, स्थूल शरीर भी उसका कमजोर पड़ने लगता है। पर प्राणायाम का अभ्यास इस प्राणिक ऊर्जा की जरूरत को पूरा करके उसके प्राण के विचरण को, उसके प्रवाह को सम अवस्था में लाकर तनाव से होने वाली हानि को बचाता है। तो आपको क्या लगता है कौन सा प्राणायाम जो है सबसे ज्यादा कारगर है एक तनाव युक्त रोगी के लिए? बहुत प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, उज्जयी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है। इसी तरह एक सर्वश्रेष्ठ अगर हम कहें नाड़ी शोधन प्राणायाम, मन को शांत करने वाला, बिल्कुल, और शरीर के भीतर प्राणिक ऊर्जा के प्रवाह में संतुलन बनाने वाला प्राणायाम है। बिल्कुल। तो दर्शकों, आपने जो है जो देशराज जी ने बाकी प्राणायाम का जो जिक्र किया है, अलग अलग नाम लिए हैं, वो प्राणायाम भी आपने यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों में आपने देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं और आप कर भी रहे होंगे। लेकिन एक जो प्राणायाम खास तौर पर तनाव के रोगियों के लिए उन्होंने सुझाव दिया है, उस प्राणायाम का नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले हम पद्म आसन में बैठते हैं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजों को ताने, दाएं टांग को मोड़ें, एड़ी को बाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें, बाएं टांग को मोड़ें, एड़ी को दाईं ओर पेड़ू में स्थित कर दें, दोनों हाथ घुटनों पर, हथेलियों का पृष्ठ भाग घुटनों के गड्ढों पर रख दें और दो पहला अंगूठा और उंगली को आपस में मिलाएं, ज्ञान मुद्रा, अन्य तीनों उंगलियों को सीधा कर दें, कमर, गर्दन, सर एकदम सीधा, शरीर रिलैक्स्ड पोजीशन में ले आएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए पहले दाएं हाथ से हम प्राणायाम की मुद्रा बनाएंगे, पहली दो उंगलियों को मोड़कर अंगूठे की गद्दी पर रखें, अन्य दोनों उंगलियों को अनामिका और कनिष्ठा को सीधा कर आपस में मिला दें, अंगूठा और तर्जनी को नासिका के दाएं और बाएं पुट पर स्पर्श कराएं, आंखें बंद करें, आंखें बंद कर बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरें, शांत मन होना चाहिए प्राणायाम करते समय, एकाग्रता प्राणायाम के ऊपर ही रखनी है, पूरा श्वास भर बाईं नासिका को बंद कर दें, अंगूठा हटाते हुए दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें, पश्चात दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरें, पूरा श्वास भीतर भरने पर दाईं नासिका को बंद कर लें, यथाशक्ति आंतरिक कुंभक में रुकें, पश्चात बाईं नासिका की ओर से उंगली हटाते हुए श्वास को बाहर निकालें, बाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे भीतर भरें, पूरा श्वास भरने पर अंगूठा हटाएं और दाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें, फिर दाईं ओर से श्वास को भीतर भरें, अंगूठा दाईं नासिका पर स्पर्श कराते हुए नासिका बंद करें,
क्षमता अनुसार श्वास को रोकें, पश्चात बाईं ओर से धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। हाथ को नीचे लाकर श्वासों को सामान्य कर लें। यह प्राणायाम बाईं ओर से प्रारंभ करके बाईं ओर पर ही पूरा किया जाता है। बाईं ओर से श्वास को भरकर नासिका बंद करके कुंभक लगाते हैं, दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देते हैं, फिर दाईं ओर से श्वास को भरते हैं, कुंभक लगाते हैं दाईं नासिका बंद करके, और बाईं ओर से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं। यह नाड़ी शोधन की प्रथम अवस्था है। शुरू में तनाव के रोगी को इसी का अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे मन शांत होने लगता है, अभ्यास बढ़ने लगता है, तो दूसरी और तीसरी अवस्थाओं का अभ्यास किसी निपुण शिक्षक की देखरेख में सीखने के पश्चात करना चाहिए। देशराज जी ने आपको एक प्राणायाम और तीन आसन और उसके साथ शव आसन का यहाँ पर अभ्यास करके अब करवा करके दिखाया, और साथ में हम आपको ये भी उनसे जानकारी लेते हैं कि इसके लिए भोजन में किस तरह की प्रिकॉशंस रखी जाएं और किस तरह का बाकी अगर आपका कोई सुझाव है तो। तनाव के रोगी के लिए भोजन गरिष्ठ नहीं होना चाहिए, उसका पहले से ही पाचन कमजोर हो जाता है तनाव के कारण, उसे सुपाच्य भोजन लेना चाहिए और पानी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। इससे आप देखेंगे कि जो विषैले पदार्थ हैं वह पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर जाएंगे और वो अपने आप को राहत महसूस करेगा। पश्चात इसके उसे मालिश पूरे शरीर के ऊपर लेनी चाहिए। रात को आत्मचिंतन करके सोना चाहिए ताकि कोई अगर उससे गलतियां हो रही हैं सोचने से संबंधित, नकारात्मक विचार ना बनाए, सकारात्मक विचार बनाने चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों से मिलें जिससे कि वो अपने मन की बात कह करके अपने तनाव को कम कर सकता है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर हमने ये समझने की कोशिश की कि तनाव को कैसे दूर किया जा सकता है आसनों के जरिए, योग के जरिए। दरअसल तो ये सारा का सारा मसला ये दिमागी है, और ब्राज़ील जैसे देशों में भारतीयों के बारे में एक कहावत है, अच्छा होता कि वो कहावत बनी रहती, कि एवरी इंडियन इज़ ए फिलासफर एंड फिजिशियन। हर भारतीय एक चिकित्सक होता है और दार्शनिक होता है। दार्शनिक यानी अनपढ़ आदमी भी ऐसी बातें कर लेता है कि जीवन जो है वो तो दो पहियों की गाड़ी पर चलता है, जीवन तो है वो तो एडजस्टमेंट का ही नाम है। इसलिए गांव की कहावत बहुत अच्छी चलती है कि या तो आप किसी का हो जाइए और अगर नहीं हो सकते तो किसी को अपना कर लीजिए। दोनों में से कोई ना कोई एक रास्ता तो आपको अपनाना पड़ेगा, और अगर आप ऐसा करते हैं, जीवन में थोड़ा सा फलसफा, थोड़ा सा फिलासफिकल भी लाते हैं, तो शायद आप इस बीमारी को चुटकियों में छूमंतर कर सकते हैं। फिलहाल तनाव से मुक्ति के रास्ते पर मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।